नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट की कल की रणनीतियां, यानी मंडे की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या निफ्टी के, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लिए थे, क्या थे हमारे मैजिकल फिगर्स, कौन से स्टॉक्स हमारी होल्डिंग पर रखे हुए थे, कौन से स्टॉक्स में आज बाय सेल रिकमेंड किया था, कहां पर प्रॉफिट हुआ, कहां पर लॉस हुआ, क्या हमारे मैजिकल फिगर्स मंडे के लिए बदल गए हैं, क्या होंगे हमारे मैजिकल फिगर मंडे के लिए, सब बातें डिस्कस करेंगे एकदम छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोग पैसा बना रहे हैं। जिस हिसाब से अपन लेवल डिस्कस करते हैं, उस हिसाब से भी अगर आप लोग को स्ट्रैटेजी बना के पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आपको अपनी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा। जहां तक आज तक देखा गया है, ऑलमोस्ट 1100 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, 500-600 दिनों के आसपास हो चुके हैं मुझे वीडियोस अपलोड करते करते। इतने दिनों से हमने देखा है कि 90% डेज में हमारी रेंज हमेशा सटीक रही है। सपोर्ट बोला है तो सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस बोला है तो रेजिस्टेंस लिया है। कुछ एक दिन ऐसे हुए हैं कि बाजार अचानक से पहले दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर खुल गए हो या फिर सपोर्ट के नीचे खुल गए हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चलते मार्केट में अगर बराबर रेंज में खुला है बाजार तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ना किया हो। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अगर आप लोगों को इसमें कुछ गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई भी सुझाव हो तो भी बताइए, हम अपने में सुधार करने के लिए रेडी हैं। बात करूंगा स्टॉक स्पेसिफिक की। आज भी देखिए, कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैं दे देता हूँ, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बना के उनमें भी पैसा कैपिटलाइज कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉल होते हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आप लोगों को जरूर जाती है। चलिए जस्टिफाई करता हूं कैसे। SBI बैंक को सेल करने कहा था 433.80 रुपए में, 436.60 रुपए का स्टॉप लॉस कहा था, 421 रुपए के टारगेट कहे थे। हाई देखिएगा, 433.65 रुपए का इसने हाई पोस्ट किया है, 433.80 रुपए में सेल करने कहा था। 15 पैसे की वजह से मेरी परफॉर्मेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। टारगेट बोले थे 421 के, आज का लो पोस्ट हुआ है 420.05। और क्या चाहिए आप लोगों को, 100% रेंज एक दिन पहले मिल जाती है, यानी कि बाजार कल चलने वाले हैं और आज आप लोगों के सामने बाजार की पूरी मूवमेंट पेश कर देता हूं। कोई भी चैनल के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस तरह की सटीक जानकारी मिल रही होंगी। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, बाजार चलने के बाद बात करता हूँ, बाजार चलने के पहले नहीं करता हूँ। तो ये डेटा के बेस पे बात कर रहा हूँ कि जो बोल रहा हूँ वो जो बोला है उसको डिस्कस करता हूँ, कल जो बोलता हूँ उसको आज उसका आज पोस्टमार्टम करता हूँ, आज जो बोलूंगा उसका मंडे को पोस्टमार्टम करूंगा। इस बेस पे कह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी कॉल्स हैं जो परफॉर्मेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन आप लोग मुझे पता है पैसा बना के निकल जाते हो। दूसरा स्टॉक लिया था ICICI बैंक को, 665 के आसपास सेल करना था, 652 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। 660 का इसने हाई पोस्ट किया है, 639.25 का इसने लो पोस्ट किया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। खैर ये रेंज से बहुत दूर था तो इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तीसरा स्टॉक लिया था अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक को सेल करना था 6735 और 45 की रेंज में, 6821 का छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 6565 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज का हाई पोस्ट हुआ है 6735 का, लो पोस्ट हुआ है 6585 का, क्लोज हुआ है, अपन ने इसकी इस पोजीशन को क्लोज किया 6747 के आसपास। यहां पर आप लोगों ने 0.25% के आसपास कैपिटलाइज किया होगा। ये हमेशा मुझे चिंता रहती है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, अपना कीमती समय यहां पर लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से उसका वैल्यू निकले। अल्ट्राटेक ने उस वैल्यू को आज जस्टिफाई किया है। चौथा स्टॉक लिया था हमने सन फार्मा को सेल करना था 699-701 की रेंज में, 704.10 रुपए का स्टॉप लॉस कहा था, 692 के टारगेट गए थे। 694.50 का इसने हाई पोस्ट किया है, 666.30 का इसने लो पोस्ट किया है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। अल्ट्राटेक ने आपको 0.25% के आसपास गेन दिया, बाकी कहीं कोई परफॉर्मेंस शीट में एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है। बात करूंगा कल के कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। मार्केट पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में था, लेकिन हमने पूरी सेल की कॉल दी थी। इनफैक्ट मार्केट की क्लोजिंग भी बहुत पॉजिटिव नोट पे हुई है, लेकिन फिर भी हमारी रणनीतियां कामयाब है। कैसे होता है ये, कह सकते हैं इस बात पे, ये होते हैं लेवल्स के कमाल। चलिए बात करूंगा कल के स्टॉक्स की। बजाज फिनसर्व को बाय करेंगे 11635 के आसपास, 11499 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 12100 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे।
दूसरा स्टॉक होगा हमारा आईसीआईसी बैंक, 634 रुपए 636 रुपए के आसपास बाय करेंगे, 628 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 662 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक होगा हमारा सनफार्मा, 662-664 के आसपास बाय करेंगे, 659-90 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 683 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। चौथा स्टॉक होगा मेरा टाटा मोटर्स, 318 रुपए 319 रुपए के आसपास बाय करेंगे, 316 रुपए 90 पैसे का छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 322 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। सारे कॉल्स मेरे एनएससी इक्विटीज में होते हैं, तो जब तक इसके टारगेट अचीव नहीं होते, जब तक इसके स्टॉप लॉस नहीं होते, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर मेरे सेल कॉल होते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को इंट्राडे में काटना होता है। अब बात करूंगा मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, निफ्टी की जो भी आज से मैं बातचीत कर रहा हूं, इनफैक्ट कल भी आज ही इसी कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, जून 28 2021 के वायदा कारोबार की बात कर रहा हूं। तो आज से हमेशा से जब तक 28 जून नहीं आता तब तक मैं जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करता रहूंगा। आज के लिए सपोर्ट लिए थे, देखिए कल बाजार खत्म हुआ, कल नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ तो भी आप लोगों को जल लेवल्स दिए, वो चले कि नहीं चले वो डिस्कस करते हैं। 15330 का पहला सपोर्ट लिया था, 15420 का लो पोस्ट किया है, 15520 का रेजिस्टेंस लिया था, 15500 का हाई पोस्ट किया है, यानी कि बाजार रहा है पूरा हमारी रेंज में। रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट की जगह सपोर्ट लिया, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर रह गया, और आज का मैजिकल फिगर था 15120 का, 15120 का ऊपर था। अच्छा मैजिकल फिगर्स क्या होते हैं? मैजिकल फिगर्स हमारे ऐसे फिगर होते हैं जिसके नीचे चलने पर बाजार होता है मंदा, जिसके ऊपर चलने पर बाजार होता है तेज। मैजिकल फिगर के आधार पर आप लोग ये बाजार का ट्रेंड जान सकते हैं, ये ट्रेंड जानने के लिए भी लोग मरे जाते हैं। बस मुझे दुख एक बात का है कि बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करिए और भी लोगों तक पहुंचाइए, हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे लोगों का भी पैसा बचे। बात करूंगा आप कल मंडे के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, 15405 का पहला सपोर्ट, 15360 का दूसरा सपोर्ट, 15565 का पहला रेजिस्टेंस, 15675 का दूसरा रेजिस्टेंस। बात करूंगा बैंक निफ्टी की, लास्ट में डिस्कस करूंगा मैजिकल फिगर्स। आज के लिए सपोर्ट लिया था 35000 का, लो पोस्ट हुआ है 35150, रेजिस्टेंस लिया था 35690 का, हाई लगा है 35670 का। यह होते हैं लेवल्स के कमाल। क्लोज हुआ है 35321 के आसपास। मंडे के लिए इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं 35150 और 34850, रेजिस्टेंस 35890 और 36185। मैजिकल फिगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, निफ्टी का मैजिकल फिगर 15120 का था, अब वो ट्रेवल करके 15250 का हो चुका है। जबरदस्त तेजी मैजिकल फिगर में, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट बढ़ना मामूली बात नहीं होती है। बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर 34300 का था, अब वो हो चुका है 34550। मैजिकल फिगर के नीचे जाएगा बाजार तो हम मंदी की बातें करने लगेंगे, जब तक मैजिकल फिगर के ऊपर है तब तक तेजी की बातें कर रहे हैं। जिस दिन भी मैजिकल फिगर तोड़ा उस दिन बाजार में एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है, लेकिन जब तक मैजिकल फिगर नहीं तोड़ रहा है तब तक बड़े करेक्शन की अपेक्षा भी मत करिएगा, चलने दीजिए, अभी तो उड़ान भरना चालू किया है। तो ये थी हमारी इक्विटी मार्केट की मंडे के लिए अपडेट्स। आशा करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाते जाते प्यार मोहब्बत से लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सकें मुनाफा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, आप हमसे सब जगह जुड़ सकते हैं। स्पेशली पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी बातचीत मैं वीडियो में आकर करता हूं उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आती है तो मैं वहां पर जरूर पोस्ट करता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ कंपनियों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक होते हैं, आप चाहें तो उन्हें क्लिक करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को, और पा सकते हैं हमारे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। उसके लिए आपको इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में संपर्क करना होगा। ऊपर आई बटन पे बहुत सारे पास वीडियो के लिंक होते हैं, उन्हें भी देखिए, हमें समझिए, अपनी साइकोलॉजी बदलिए, रूल्स जानिए, कैसे बाजार में सक्सेसफुल हुआ जाता है, आप वहां से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। मिशन 1 मिलियन सब्सक्राइबर का पार्ट बनना चाहते हैं तो भी इंटेलिसिस के कस्टमर केयर में संपर्क करिए और पाइए कुछ बेनिफिट्स। उठाइए फोन और लगाइए इंटेलिसिस के कस्टमर केयर को फोन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।